नमस्कार दोस्तों, सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर में एक नया काम आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी हमारे सीएससी वीली भाई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर का संचालक करते हैं, वो लोग अब खुश हो जाइए, क्योंकि अब उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक नया काम आ चुका है, जिसमें अब वो लोग आधार लिंक करके आसानी से अपने जो आसपास के लोग हैं, ग्राहक हैं, उनका जो वेरिफिकेशन है वो कैसे कंप्लीट करेंगे, केवाईसी कैसे कंप्लीट करेंगे और ये प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे काम करना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जितने भी हमारे कैसे काम करना है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, उसके बारे में फुल डिटेल के साथ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जितने भी हमारे नए दर्शक लोग हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं थंबनेल थोड़ा सा पेपर की कटिंग है वो ओपन कर लेता हूँ। आय जात और निवास को जो प्रमाण पत्र हैं वो आधार से जोड़ने का जो नया काम है वो ग्राहक कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी के पास आ चुका है। यहाँ पे राजस्व परिषद में आय जात निवास प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। राजस्व परिषद की सचिव व आयुक्त मनीषा त्रिघटिया ने सोमवार को इस संबंध में डीएम को निर्देश भेजा है। यानी कि अब जितने भी आय जात निवास पहले से बने थे, अब जो बनेंगे उसमें तो आधार कार्ड वेरिफिकेशन आधार से ही बनते हैं, लेकिन जो पहले बने हुए थे आय जात निवास, उनको आधार से जोड़ा जाना अनिवार्य कर दिया है। इसमें कैसे करना है, जिला स्तर पर जो आय जात निवास बनते हैं, हैसियत प्रमाण पत्र है, उसके लिए सभी जो है आधार की छाया प्रति ली जाती है और उसे आधार से लिंक नहीं किया जाता था, यानी कि आधार कार्ड अपलोड करके बन जाते थे और लोग अपनी ज़रूरतों के आधार पर इसे बनवाते रहते हैं। नियमतः यह प्रमाण पत्र 3 साल के लिए मान्य होता है, इसलिए इसको रोकने के लिए आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। तो जितने भी हमारे कॉमन सर्विस सेंटर वेली भाई हैं, सभी लोगों को अब आधार से आय जात निवास हैसियत प्रमाण पत्र जोड़ने का जो काम है वो लॉन्च होने वाला है। अभी इस बारे में कन्फर्म ऑफिशियल पोर्टल नहीं लॉन्च किया गया है कि ये किस पोर्टल से और कैसे लिंक होगा। इसके बारे में अगर किसी भी प्रकार की कोई नई जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही है कि जितने भी हमारे कॉमन सर्विस सेंटर वेली भाई हैं, उनके लिए अब नया काम आने वाला है। आधार से उनका आय जात निवास है, अभी तक जितने भी आधार से आय जात निवास बनते थे केवल डॉक्यूमेंट ले लिया जाता था, फोटोकॉपी उसको अपलोड करके आय जात निवास बन जाते थे, लेकिन अब आधार से अगर वेरिफिकेशन होकर के बनेगा आय जात निवास तो उसमें डिटेल्स भी सही होगी और इसमें जो धोखाधड़ी यानी कि आपका आधार किसी और नाम से है और आप आय जात निवास किसी और नाम से नहीं बना सकते, यानी कि जो भी बनेगा आधार की डिटेल से ही बनेगा, आधार KYC से ही बनेगा। तो जितने भी हमारे सीएससी वीली भाई वो लोग खुश हो जाइए। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा कमेंट में लाइक जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। सीएससी में आने वाली नई जानकारी आधार के कमीशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी है तो सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो के साथ धन्यवाद।